जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और मैं शिखा श्रेया अभी मौजूद हूँ कांग्रेस भवन में। और कांग्रेस जो है वो बहुत गुस्से में है। जी हाँ, कांग्रेस जो है वो बहुत बिफर रही है पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी से। हमने आपको बताया था कि कल देर रात पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है। इनको गिरफ्तारी के बाद कोतवाली थाना भी लाया गया था, रात भर रात वहां पे कटी। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है और ईडी जो अपना काम कर रही है उससे कांग्रेस नाखुश है। जी हाँ, कांग्रेस ने कहा है कि हम कल ईडी का घेराव करेंगे, पुराना विधानसभा से ईडी तक घेराव किया जाएगा, क्योंकि ईडी का मतलब अब इलेक्शन कमीशन हो चुका है। अब ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रहा ही नहीं, एक्चुअली ईडी का काम ही उल्टा हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एजेंसी है जो कि न्याय करने के लिए थी, लेकिन अब ये वो सेंट्रल एजेंसी है ताकि अगर आप केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपके घर में ईडी पहुँच जाएगी, अगर आप केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपके दरवाजे में सीबीआई पहुँच जाएगी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने स्वार्थ के लिए और अपने पर्सनल मोटिव को पूरा करने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इन्हीं सारे कुछ सवालों के साथ जब हम कांग्रेस भवन आए तो वहां प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने जीएन भारत से खास बातचीत की और कहा कि इस तरह का रवैया बिल्कुल भी नहीं अब बर्दाश्त किया जाएगा और ईडी जो है अपना काम सही से नहीं करे, जिसको लेकर हम घेराव करेंगे। इसके साथ ही क्या कुछ कहा राकेश सिन्हा ने, आइए सुनते हैं। देखिए, कानून अपना काम करेगी, कानून अपना काम कर रही है, हम कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून जब अपना काम करती है तो स्वाभाविक तौर पे उस पर प्रतिक्रिया नहीं होती, कानून अपना काम कर रही है। देखिए, ईडी दफ्तर का घेराव हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जिस प्रकार ईडी को केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में इस देश में काम करने को विवश कर दिया गया है तो स्वाभाविक तौर पे इससे देश का लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में पड़ जाता है। एक विपक्ष की एक सशक्त आवाज़ को दबाने का एक सशक्त माध्यम केंद्र सरकार ने ईडी को बना लिया है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोले उसके दरवाजे पे आप ईडी भेज दो, उसके दरवाजे पे आप सीबीआई भेज दो, तो इससे लोकतंत्र भी कमज़ोर होती है और संविधान भी कमज़ोर होता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो मंशा गांधी के आइडियोलॉजी को ख़त्म करके इस देश में गोडसे की आइडियोलॉजी को थोपने का है, उस मंशा का विरोध हम लोग कर रहे हैं और ये तब तक करते रहेंगे जब तक इस देश में पुनः एक बार गांधी के आइडियोलॉजी को हम अपने संघर्षों से स्थापित ना कर दें। नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पे हम उन्हें अपना अभिवादन तो जैसा आप साफ तौर पर इनको भी कहते हुए सुन सकते हैं कि ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं बिल्कुल भी पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी से खुश नहीं है। क्योंकि बताते चले कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन में सरकार है तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं देखा जा ही सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जीएन भारत के साथ। मैं शिखा श्रेया अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।